भरतपुर में सैनी समाज का आंदोलन आज 11वां दिन है। NH-21 पर आरोदा गांव में 12% आरक्षण की मांग को लेकर लगातार सैनी समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आरक्षण के मामले में मुख्यमंत्री के साथ भी बैठक की गई, लेकिन अभी तक मांगों पर कोई भी सहमति नहीं बन सकी है। आरक्षण के मामले में सरकार की ओर से ओबीसी आयोग की चिट्ठी भी लिखी गई, जिसके बाद आज दोपहर 1 बजे ओबीसी आयोग के साथ लाल कोठी में बैठक प्रस्तावित की गई है। आंदोलन के संयोजक मुरारी सैनी, बदन सिंह कुशवाहा सहित 21 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल बैठक में शामिल होने जयपुर आएगा। बैठक नहीं होने तक आंदोलनकारियों ने धरना जारी रखने की बात कही। तो आपको बता दें कि 11वें दिन भी लगातार सैनी समाज का आंदोलन जारी है। 12% आरक्षण की मांग को लेकर लगातार लोग धरने पर बैठे हैं। NH-21 पर सैनी समाज का यह आंदोलन जारी है, जहां पर सैनी समाज आंदोलन का 11वां दिन। सरकार से वार्ता हुई, मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई, लेकिन कोई सहमति उन मांगों पर फिलहाल नहीं बन पाई है। 21 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल आज बैठक में शामिल होगा। तो भरतपुर में लगातार सैनी समाज का आंदोलन 11वें दिन भी जारी है। ओबीसी आयोग की आज 1 बजे बैठक होगी, जिसके अंदर 21 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है, जो कि इस अहम बैठक में शामिल होगा। आपको बता दें कि 12% आरक्षण की मांग को लेकर लगातार सैनी समाज के लोग धरने पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। NH-21 पर सैनी समाज का लगातार 11वें दिन भी आंदोलन जारी है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे राजेंद्र। राजेंद्र, क्या कुछ जानकारी? अभी तक कोई वार्ता नहीं, वार्ता हुई भी तो विफल रही। क्या कुछ मांगे हैं और क्यों सहमति नहीं बन पा रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि सैनिक कुशवाहा माली समाज के जो लोग हैं, NH-21 पर अरोदा पर हाईवे जाम किए हुए हैं। आज 11वां दिन है और अभी तक आंदोलन जारी है। हालांकि प्रशासन अधिकारियों के साथ, CM के साथ भी इनकी वार्ता हो चुकी है और 8-10 वार्ताएं हुई है, लेकिन 8-10 वार्ताओं में अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। आज 1 मई को आज जो है जयपुर में ओबीसी आयोग के समक्ष इनकी वार्ता प्रस्तावित है। दोपहर 1 बजे का टाइम है और वहाँ ये पहुँच करके आज ओबीसी आयोग के स्थान लाल कोठी जयपुर में जो इनका ऑफिस है, वहाँ ये वार्ता करेंगे। और वार्ता के लिए इनके 21 सदस्य टीम तैयार हो चुकी है। संयोजक मुरारीलाल सैनी, बदन सिंह कुशवाहा, अंजलि सैनी सहित ये 21 सदस्य हैं। ये लोग सब तैयार हैं, टीम इनकी आज वहाँ पहुँच करके वार्ता करेगी। आज हो सकता है, माना ये जा रहा है कि आज इनका समाधान निकल सकता है और हाईवे जाम खुल भी सकता है। जी राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए आपका। तो लगातार सैनी समाज का 11वें दिन भी आंदोलन जारी है, लेकिन आज ओबीसी आयोग की 1 बजे अहम बैठक होनी है, जिसके अंदर 21 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल इसमें शामिल होने वाला है। तो मसा माना जा रहा है, जैसे हमारे संवाददाता ने हमें बताया, कि आज सहमति बन सकती है मांगों को लेकर।